बाड़मेर जिले के सदर थाना अंतर्गत मेघवालों का तला सनावड़ा गांव में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल खेजड़ी के पेड़ पर बकरियों के लिए लूंग लेने चढ़ी 60 वर्षीय महिला नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामला दर्ज किया। बाड़मेर जिले के सदर थाना अंतर्गत मेघवाला का तला सनावड़ा गांव में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल खेजड़ी की पेड़ पर बकरियों के लिए लूंग लेने चढ़ी 60 वर्षीय महिला नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन महिला को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। वही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि सनावड़ा के मेघवाला का तला निवासी पारू देवी पत्नी कुंभाराम गुरुवार को दोपहर के समय खेजड़ी के पेड़ पर बकरियों के लिए लूंग लेने के लिए चढ़ी थी। लूंग तोड़ने के दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिर गई। इससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गई। परिजन व आसपास के लोग आनंद फानंद में महिला को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुम्बाराम पुत्र कुंभाराम ने रिपोर्ट पेश की कि मेरी माता पारू देवी कल दिन में खेजड़ी के वृक्ष पर लूंग ले रही थी, उस समय नीचे गिर गई। नीचे गिरने से उनके शरीर के अंदर अंदरूनी चोट आई, उसका इलाज हेतु लेकर आए थे अस्पताल, जिसके अस्पताल में मृत्यु हो गई। अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जिसकी रिपोर्ट देने पर पोस्टमार्टम कराया है। सर, कौन से गांव की घटना है? किस नेगड़ों का तला सनावड़ा मृग दर्ज हुई है। मृग दर्ज हुआ। पुलिस उप निरीक्षक जाकिर अली के मुताबिक कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अस्पताल में एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बुजुर्ग महिला के बेटे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।